तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेरे प्यारे से पागल जू में। तो जी हाँ, तुम लोगों को पता होगा मैंने दो एपिसोड ऑलरेडी इसका अपलोड कर रखा है। तो सबसे पहले मैंने राइनो लाया था जिसका नाम मैंने अक्षत रखा था और उसकी बीवी का नाम मैंने रखा था अक्षत की वाइफ। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो अक्षत है और अक्षत की वाइफ है और मैंने यहाँ पे प्रिया को भी रखा था। प्रिया भाग तो नहीं गई, नहीं वो देखो प्रिया घूम रही है। ठीक है, तो मैं गेट लगा देता हूँ फट से। ठीक है, और मैंने इसके अलावा सात्विक को लाया था यानी कि हाथी को, वो किधर है आई डोंट नो, रुको मैं टैब देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो हाथी है, मैं यहाँ पे सीधे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ बट अभी मैं टेलीपोर्ट करूंगा नहीं। मैं आज का टास्क देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो पहला टास्क है वाई ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर इन ए शॉप। तो बढ़िया चीज है ये फूड डिस्पेंसर, आई थिंक वो है कि मैं ऑटोमेटिक ना, मतलब मैं मुझे जा के खाना नहीं देना पड़ेगा, वो मैं लगा दूंगा ऑटोमेटिक खाना मिलता रहेगा। तो मैं शॉप में जाता हूँ, ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर किधर है, ये रहा फूड डिस्पेंसर। और जो कि 1000 में, भाई मेरे पास 2000 ही है भाई, वो भाई इससे बहुत कम पैसा है। तो चलो कोई ना, देख लेते हैं, कमाई तो हो ही जाएगा ना। तो मैं यहाँ से जल्दी से फूड डिस्पेंसर उठा लेता हूँ जो कि मैंने उठा लिया है। और इसको लगाना कहाँ है, डिस्पेंसर और एनी थ्रो। तो मैंने जैसे कि देखो यहाँ पे फूड डिस्पेंसर लगा दिया है, अब मुझे बस आई थिंक इसके अंदर फूड डालना होगा। तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, मेरे पास फूड है या नहीं है, नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, बेयर हाउस में मेरे पास फूड रखा हुआ है, मैंने कल खरीद के रखा था, शायद मैंने वीडियो में वो सीन कट कर दिया होगा, मुझे याद नहीं, तो तुम लोग देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, बट क्या ये देखो, ये रहा खाना, ये रहा अक्षत और अक्षत की बीवी के लिए खाना। सबका खाना अलग अलग है, जैसे कि हाथी के लिए खाना है वो फ्रूट है और प्रिया के लिए वेजिटेबल है। तो मैं यहाँ पे खाना डाल देता हूँ फटाक से। देखो मैंने इसमें खाना डाल दिया, अब इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक ना यहाँ पे खाना आता रहेगा और ये खाता रहेगा। ये कौन है अक्षत, देखो खाना कैसे खा रहा है, ठूस ठूस के खा रहा है, चलो ये बढ़िया बात है। अब है बाय फूड एंड फिल द डिस्पेंसर। मैंने तो फूड खरीद लिया था बट चलो फिर ठीक है, और मैं खरीद लेता हूँ, जैसे कि मैं ये खरीद लेता हूँ, पेलेट खरीद लेता हूँ क्योंकि वो पूरा भरा नहीं था, ये भी खरीद लेता हूँ, वेजिटेबल्स भी खरीद लेता हूँ। मेरे पास अब 1700 रुपए ही बचे हैं बट कोई बात नहीं, अब वो आ गया होगा ना, ये रहा ये ले, अबे ले ले भाई, चलो अब इसको मैं पूरा का पूरा खाना भर दूंगा वो रायनो के फूड डिस्पेंसर में। ये देखो अक्षत और घूम रहा है, अक्षत की बीवी वहाँ खाना खा रही है, पहले अक्षत ने खाया फिर अक्षत की बीवी ने खाया। यार ये लोग इतना खाना खा रहे हैं ना, मैं खाना पे खाना भरा जा रहा हूँ, भरा जा रहा हूँ, भरा जा रहा हूँ, भरा जा रहा हूँ, बट ये लोग यार गजब है यार, मतलब क्या बोलूं मैं यार, ये लोग इतना खाना ठूस रहा है भाई, मैं क्या ही बोलूं। अब मैंने प्रिया के लिए भी यहाँ पे फूड डिस्पेंसर लगा दिया है, अब मुझे बस इसके अंदर खाना भर देना है। तो मैं खाना लेके आ जाता हूँ, मेरे पास था तो मैंने इसमें पूरा का पूरा भर दिया, जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो यहाँ पे फूड बार दिखाता है, मैंने इसमें पूरा का पूरा वो भर दिया। अब मुझे बोल रहा है रेंच खरीदने, रेंच क्यों खरीदने आई डोंट नो, बट चलो कोई ना, अगर बोल रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ रेंच। मैंने रेंच $50 में ऑर्डर कर दिया बाय फॉसेट। अब फॉसेट क्या है आई डोंट नो, बट जरा देख लेता हूँ फॉसेट, व्हाट इज फॉसेट, मटेरियल में, मटेरियल में, ओके नल, ओके 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 नल, अबे भाई सीधा सीधी बोलना, नल लगाना है भाई, ओके ओके माय बैड। यहाँ का नल देखो खराब हो रखा है, मुझे यहाँ का नल फिक्स करना है, बट यहाँ का नल फिक्स करने के लिए रास्ता कहाँ से, यहाँ से। तो चलो मैं गेट खोल के अंदर एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ का नल फटाक से मैं फिक्स करता हूँ। तो यहाँ के नल में क्या गड़बड़ी है, देखो यहाँ का नल लीक हो रखा है, तो मुझे यहाँ पहले तो रेंच निकालना पड़ेगा। रेंच कहाँ है मेरे पास भाई, रेंच रेंच रेंच, ये रहा, यू नीड ए कॉम्पिटेबल आइटम, ओके। तो पहले मुझे फॉसेट लगाना पड़ेगा, यस यहाँ पे देखो मैंने ये लगा दिया है, अब मुझे रेंच से कस देना है इसको, ये लो मैं कस देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नल भी लगा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये रहा वाटर डिस्पेंसर 1000 का, भाई मेरे पास सिर्फ 666 रुपए बचे है, बट कोई बात नहीं, डिस्पेंसर को अब मुझे वहां बेयर हाउस से लाना है। बेयर हाउस जाने के लिए एक काम करता हूँ ना, मैं टेलीपोर्ट कर लेता हूँ फटाक से, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो यहाँ से मैंने वाटर डिस्पेंसर उठा लिया है, अब इसको ले के मुझे वहां लगा देना है। तो मैं जाता हूँ सीधे, मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर से ये चीज जो है ना, नल जो लगा हुआ है ना, इसको यहाँ से हटा के इसमें वाटर डिस्पेंसर लगा देना है ताकि ऑटोमेटिक पानी आता रहे। तो यहाँ पर से मैं ये वाला नल हटा दे रहा हूँ और अब ये नल हटा दिया। ओ भाई भाई रुक जा रुक जा रुक जा, पानी लीक हो गया भाई, पानी लीक हो गया भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ वाटर डिस्पेंसर, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ से पानी बढ़ता रहेगा आई थिंक, शायद से जैसे खत्म होगा ये पानी भर देगा, बट ये पानी आएगा कहाँ से, मुझे नहीं आइडिया है इसका।
जाएगा। चलो वो देखा जाएगा, फिलहाल अभी मुझे बोल रहा है कि 6 डिफरेंट एनिमल स्पीसीज मुझे अडॉप्ट करना है, जो कि मैंने 3 कर रखा है, एक राइनो करा है मैंने, एक प्रिया करा है मैंने, एक हाथी करा है मैंने, तो अब मुझे 3 और करना है। ओके, लेकिन इसको अडॉप्ट करने से पहले तो मुझे वो क्या बोलते हैं एरिया भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना, इसको जहां रखना है मुझे, तो यहां के लिए पहले मुझे बार्स लगाना पड़ेगा। मैंने यहां पे बार्स लगा दिया। ओके, मैंने एक्स्ट्रा खरीद के रखा था, नाइस नाइस। और ये रहा बिल्डर, मैं इसको जल्दी से बिल्डिंग कर देता हूं। तो मैंने इसको बिल्डिंग कर दिया है, अब ये रहने लायक हो चुका है आई थिंक, ये रहने लायक हो चुका है और इसको मैं बेच सकता हूं, बट चाहूं तो हां मैं बेच ही देता हूं यार, ये ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे पैसे भी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसको बेच देता हूं फिलहाल के लिए, फिर मेरे पास पैसे भी हो जाएगा तो मैं और भी अच्छा कुछ खरीद सकता हूं। फिलहाल अभी मुझे वो जानवर खरीदने का दिल नहीं कर रहा है, आई डोंट नो भाई। मैंने यहां पर जितने भी डेकोरेशन थे सबके सब बेच दिया है। अब ये कौन सा जगह है, स्टेप वैली, तो मैं वापस से ऑफिस आ चुका हूं। अब मैं फटाक से मैंने दो एरिया को अभी क्लियर किया था, मैं दो एरिया के हिसाब से अभी मैं जानवर रखता हूं, और मेरे पास 5500 भी पैसे हो गए, लेकिन 5000 में अभी भी कुछ खास एनिमल आने वाला नहीं है। जैसे कि ये देखो टाइगर 8000 में आ रहा है, ये क्वेटो 1400 में आ रहा है, गोरिल्ला 7000 में आ रहा है, अफ्रीकन बफेलो 2000 में आ रहा है, काफी महंगे महंगे हैं यार, बहुत महंगे महंगे हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि इसका फूड है फ्रूट वेजिटेबल पैलेट्स, ठीक है, तो मैं जो सस्ता वाला है ना मैं वो फिलहाल ले रहा हूं। जैसे कि ये है क्वेटे, तो मैं एक क्वेटे अडॉप्ट कर रहा हूं। चुप, ये क्या भेड़िया है क्या, इसका नाम मैंने भेड़िया रख दिया है, और ये अंदर जा चुका है, इसके लिए मैंने वो भी रख दिया है। अब खाना वाना भी खरीदना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता था यार सीरियसली कि जू में इतना सारा काम होता है, मुझे कसम से नहीं पता था भाई, ओ भाई बहुत सारा काम करना पड़ता है जू में यार। तो अभी देखो और एनिमल को अडॉप्ट करने के लिए मुझे और भी पैसे चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास इतने सारे पैसे है नहीं, बट अभी ये क्या कर रहा है वो भाई, हेलो, ओके ये गार्डनर है ना, हाँ मैं भूल गया था सॉरी, ये आसपास का गार्डन का देख रखाव करेगा, बट चलो कोई ना। तो मैं ये बताओ कि तुम लोगों ने ये जानवर को रियल में देखा है, अभी जो मैंने अडॉप्ट करा है, अगर रियल में देखा है तो तुम लोग कमेंट से बताना, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पैसे कमाने में, तो जब थोड़े पैसे हो जाएंगे तब मैं बाकी एनिमल को अडॉप्ट करूंगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूं, तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। वो आस की है मेरी, वो लड़की नहीं, वो तो था लड़का।